एसवाईएल मामले पर दिल्ली सरकार की तरफ से हटाए गए वकील सुरेश त्रिपाठी का बड़ा बयान, बोले दिल्ली सरकार से पूछकर ही दाखिल किया था जवाब। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा बोले कोर्ट में बिना पूछे दाखिल किया गया हलफनामा। बीजेपी बोली बेपर्दा हुआ झूठ। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कोहिनूर हीरे को बताया सिख कौम की विरासत, बोले कोहिनूर हीरे के लिए एसजीपीसी को सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल, कहा पहले क्यों नहीं याद आई। गेहूं की खरीद के लिए सीसीएल पर गरमाई सियासत, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आरोप, देरी से क्यों जागी सरकार। सत्ता पक्ष की दलील तकनीकी जरूरत और समय के मुताबिक जारी हुई सीसीएल। नामधारी समुदाय की माता चंद कौर जी की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली, कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ठाकुर दिलीप सिंह गुट की तरफ से रोष प्रदर्शन, कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। जर्मनी में गुरुद्वारे के बाहर बम रखकर फरार होने वाले दो आरोपियों की जानकारी देने वालों पर 5000 यूरो का इनाम, जर्मनी की वेस्टर्न सिटी ऑफ एसन अथॉरिटीज ने किया ऐलान। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अदालत ने हेट क्राइम के दोषी को दी सेवा करने की सजा। 21 साल के युवक ने गुरुद्वारे के बाहर लिखे थे आईएस विरोधी नारे, अब उसी गुरुद्वारे में 80 घंटे की सेवा और 240 घंटों तक करनी होगी लिखे नारों की सफाई। संता बंता प्राइवेट लिमिटेड फिल्म की रिलीज के खिलाफ डीएससीएमसी सरगर्म, कल रिलीज हो रही है फिल्म। सिख समुदाय ने दिल्ली और मुंबई में फिल्म पर बैन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। डीएसजीएमसी का आरोप, हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी सेंसर बोर्ड ने नहीं दिखाई फिल्म को लेकर गंभीरता। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को कैप्टन अभिमन्यु ने बताया राजनीति से प्रेरित, बोले हिंसा में कांग्रेस के लोगों के हाथ होने के मिल रहे हैं प्रमाण। घाटी में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम, कुपवाड़ा में 3 आतंकी ढेर, श्रीनगर से 3 संदिग्ध गिरफ्तार। और बंदरों के बाद अब कुत्तों को भी वर्मिन घोषित करवाने की तैयारी में शिमला नगर निगम, सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा पक्ष। कुत्तों की तरफ से लोगों पर बढ़ते हमलों के मामलों में हो रहे इजाफे को देखकर लिया गया फैसला।